नमस्कार। भारतीय विद्याभवन इंफोसिस कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम के 71वें प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी जानते हैं ये प्रोग्राम उन लोक कलाओं को समर्पित है, उन लोक कलाकारों को समर्पित है जिनको वस्तुतः एक मंच की ज़रूरत है। अगर उन पर समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे काल के गाल में समा जाएंगे। स्वागत की इस परंपरा में मैं आप सभी दर्शक साथियों का स्वागत करता हूं कि आपकी हौसला अफजाई से हमें हिम्मत मिलती है कि हम और इस तरह के कलाकारों को और कलाओं को ढूंढकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। स्वागत की इस परंपरा में मैं स्वागत करता हूं सुश्री सुधा मूर्ति जी का, इन्फोसिस फाउंडेशन के व्यक्तित्व का। मैं भारतीय विद्याभवन जयपुर केंद्र के चेयरमैन श्री विमल चंद जी सुराना साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन सुश्री आशा जी गोलेछा का स्वागत करता हूँ। भारतीय विद्याभवन जयपुर केंद्र के निर्देशक कैप्टन बीसी कुमाऊत साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोगों की हौसला अफजाई और रहनुमाई से कार्यक्रम हम आप दर्शक लोगों तक पहुँचा पाते हैं। होली का त्यौहार बहुत करीब आ रहा है, बल्कि यूं देख रहे हैं कि होली आ ही गई है। होली अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से खेली जाती है। कुछ लोग आम तौर पर ये शिकायत करते हैं कि शहरों में या कहीं और भी, लेकिन शहरों में अधिक, होली अपने मूल स्वरूप को छोड़कर कुछ और स्वरूप में अब होने लग गई है, जिसे बहुत अधिक लोग अधिक पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही भावनाओं के बीच मैं आपको लेके चल रहा हूँ जयपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर फतेहपुर शेखावाटी में। होली के समय जो धमाल मचती है, जो इतनी पारंपरिक है और इतनी शुद्ध और सात्विक है कि आदमी का मन नहीं करता वहाँ से उठने का, मैंने देखा है। ये आयोजन जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रात रात भर वहाँ की सैकड़ों पार्टियाँ करती हैं और लाखों लाखों के संख्या में दर्शक वहाँ रात रात भर, माताएं, बहनें, स्त्री पुरुष सब लोग समान रूप से वहाँ स्थापित रहते हैं, जमे रहते हैं इनको देखने के लिए। तो मुझे भरोसा होता है कि ये जो तथाकथित शहरी सभ्यता है उसकी तुलना में जो हमारी गांव की सभ्यता है, जो मर्यादा है, वो किसी स्वरूप में कम नहीं है। तो आइए लीजिए, लेते हैं थोड़ा सा आनंद पहले आज के इस होली स्पेशल प्रोग्राम का, होली धमाल का। श्याम सुंदर जी और उनके साथी शेखावाटी फतेहपुर से आए हैं और शुरू करते हैं हम होली का प्रोग्राम। Thank you.
हमारे लोकांचल में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद हैं, बड़ा मनभावन है उन गीतों का प्रस्तुत होना। होली की इन पार्टियों की ये विशेष बात है, ये कहीं से ट्रेंड नहीं है, कहीं से शिक्षित नहीं है, बस परंपरागत रूप से ये करते जा रहे हैं और वैसा ही इनका ये स्वरूप चलता जा रहा है। इसके अंदर इन्होंने बहुत मधुर गीत गाया, नखराड़ो देवरियो भाभी पर जादू कर गो, और ये जो गाना अब आ रहा है और चल रहा है, देखिए, प्रियतमा अपने प्रियतम से आग्रह कर रही है कि चांद चढ़ो गिगनार, यानी चांद अपने पूरे यौवन पर है, हे प्रिय तुम जल्दी घर आओ ना। Oh,
बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सारे लोक गीतों के बीच में से गुजरता हुआ हमारा ये गीतमय, संगीतमय, नृत्यमय कार्यक्रम आज आप तक पहुंचा है। मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। होली का इतना सात्विक स्वरूप, ये सबके लिए देखने और सीखने की बात है कि होली ऐसे भी गा के मनाई जाती है, इतनी उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा सकती है, बहुत संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये सुरीला सफ़र एक बार अभी छोटे से अल्प विराम का मुंतजर है। मैं आप सभी की इजाज़त से हमारे इस 71वीं कड़ी का अल्प विराम चाहता हूँ। ऐसे ही किसी अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर भेंट होती है, तब तक के लिए नमस्कार।